हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। हरियाणा बना हड़ताली प्रदेश, मांगों को लेकर जगह जगह प्रदर्शन, कहीं सामूहिक आत्मदाह की धमकी, कहीं सीएम आवास के घेराव की चेतावनी, शिक्षा स्वास्थ्य संचार सेवाएं ठप। हरियाणा को इन दिनों हड़ताली प्रदेश बोले तो कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी। प्रदेश में आज कई कर्मचारी संगठनों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, चाहे बात शिक्षक संघ की हो या रोडवेज कर्मचारियों की या फिर चालक परिचालकों की। सभी प्रदेश सरकार की नीतियों की आलोचना कर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, नगर पालिका कर्मचारी संघ और पब्लिक हेल्थ विभाग के कर्मचारी भी अपनी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हड़ताल की जिद में सिर्फ कर्मचारी संगठन नहीं है, प्रदेश के अन्नदाताओं ने भी राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भवानी खेड़ा में किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। फरीदाबाद में बिजली कर्मचारी भी सरकार से नाराज हैं। गोहाना में जनसंघर्ष मंच हरियाणा का भी प्रदर्शन जारी है। और उधर हरियाणा रोडवेज की हड़ताल के समय रखे गए चालक परिचालकों ने रोडवेज से हटाए जाने के बाद अब पंचकुला में आत्मदाह की धमकी दी है। प्रदर्शनकारियों ने ऐलान किया है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई या फिर इनको बातचीत के लिए नहीं बुलाया गया तो वो सामूहिक तौर पर आत्मदाह करेंगे। बात सोनीपत की करें तो वहां सर्व कर्मचारी संघ और अग्निशमन कर्मचारियों का हल्ला बोल जारी है। बता दें कि कर्मचारियों ने संयुक्त रूप से पूरे शहर में जुलूस मार्च निकाला और सरकार और प्रशासन के प्रति अपना रोष व्यक्त किया। इसी दौरान कर्मचारी संघ पदाधिकारियों का कहना है कि अगर उन्हें निकाला गया तो 75 पार का नारा पूरा नहीं होने देंगे। हमारी कल परसों 8 तारीख को पूरे हरियाणा के कर्मचारियों की करनाल के अंदर रैली थी। लाखों कर्मचारी उस रैली के अंदर गए थे। हरियाणा सरकार ने कर्मचारी नेताओं को कल बातचीत करके लिए बुलाया था। सरकार द्वारा पत्र दिया गया, भाई आप हमारे साथ चंडीगढ़ सिविल सचिवालय में पहुंचिए और बातचीत कीजिए। वहां सरकार की तरफ से कोई प्रबंध नहीं था, कोई अधिकारी बातचीत करने वाला वहां मौजूद ही नहीं था सेक्रेटरिएट में। और फिर पता चला भी वो तो हरियाणा भवन में बैठे हैं। तो सर्व कर्मचारी संघ के नेता भी अपने ठीक समय पे 4:30 बजे वहाँ पहुँच गए। सरकार की तरफ से जब हमने चिट भेजी तो उन्होंने कहा भी आप अलग कमरे में बैठ जाइए, आपके साथ बात करेंगे। पर हरियाणा सरकार की जैसी मानसिकता है, सारे कर्मचारियों को ऐसे ही टकराना चाहती है वो। हरियाणा के कर्मचारी इस सरकार का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जनता के बीच में पहुंचेंगे और आने वाले विधानसभा में हम सरकार की ईंट से ईंट बजा के इनको दिखा देंगे। ग्रामीण सफाई कर्मचारी हैं, 2007 से लगे हुए हैं, 2007 से लगे हुए कर्मचारी, आज तक इनको किसी भी चीज की कोई फैसिलिटी नहीं मिली है। नहीं तो हमारे को पक्का किया गया है, ना ही हमारे को टीसी रेट पे दिया गया है, ना ही हमारे को तनख्वाह टाइम पे मिलती है। हमारे बच्चे अगर बीमार हो जाते हैं, हमारे पास दवाई के पैसे नहीं है, खाने के लाले पड़ जाते हैं गरीब। या तो हमारे को पक्का किया जाए, अगर पक्का नहीं किया जाए तो 18,000 हमारे को वेतन दिया जाए, ये हमारी मांगे हैं। और हमारे को ना ही तो वर्दी के पैसे मिलते हैं, नहीं कोई हमारे को रेड या कुछ भी औजार है उसके पैसे मिलते हैं। हमारे को कृपा कर ये मदद मिलनी चाहिए। जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए 75 पार का नारा देने वाली सरकार पर ये अनगिनत हड़तालें ये तो कई सवाल खड़े कर रही हैं। क्या सरकार महज चुनाव जीतने के लिए लुभावनी लॉलीपॉप देती है? क्योंकि 2014 विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में किसानों और कर्मचारियों से संबंधित कई वादे किए थे, लेकिन 5 साल बीत जाने के बाद भी मुद्दे ज्यों के त्यों बने हुए हैं। अब सवाल यही उठता है कि जब प्रदेश में इतने सारे संगठन हड़ताल पर चले जाएंगे तो काम कौन करेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
और प्रदेश में इन दिनों कामकाज पूरी तरीके से ठप है, क्योंकि हालात आज ऐसे ही हो चुके हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हर वर्ग हो, कर्मचारी कोई भी विभाग से जुड़ा हुआ हो, हर विभाग से जुड़ा हुआ कर्मचारी आज त्रस्त है, परेशान है। सरकार से ये मांग कर रहा है कि उनकी परेशानियों का समाधान निकल सके, लेकिन सरकार की तरफ से क्या अभी तक कोई स्टैंड लिया गया है? क्या सरकार की तरफ से अभी तक ये कहा गया कि हम अपने जो प्रदेश के अलग अलग विभागों के कर्मचारी हैं उनकी मांगों को मानेंगे या उनकी बातों को सुनेंगे? क्योंकि आप अलग अलग विभाग के महकमे के जितने भी कर्मचारी हैं उनकी चल रही हड़ताल प्रदर्शन को देख लीजिए तो लंबे लंबे समय हो चुके हैं, कई कई दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से ना तो कोई नुमाइंदा उनसे मिलने के लिए पहुंचा है। हाँ, चुनाव से पहले जरूर जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी तो उस वक्त बहुत बहुत आश्वासन उनको दिए गए थे, भरोसा दिया गया था सत्ता परिवर्तन होगा, उनकी सरकार आएगी तो बहुत सारी चीजें करके दिखाएंगे। लेकिन अब 5 साल का समय बीत चुका है, यानी कि जो मैंडेट जनता ने दिया था, जिस भरोसे के साथ जनता ने सरकार पर भारतीय जनता पार्टी को काबिज करवाया था, वो अब 5 साल का समय तो बर्बाद हो चुका है। यानी कि आने वाले समय में क्या अब इन वादों के ऊपर काम होगा, क्या जनता और कर्मचारी उन वादों पर भरोसा करेंगे, ये भी देखना होगा। लेकिन जरा इन्हीं सवालों के साथ अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको हमारे बड़े और खास पैनल से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक सोमवीर आर्य जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से मनीष खटाना जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है मनीष जी आपका कार्यक्रम में। हमारे साथ राम निवास जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, सर्व कर्मचारी संघ के सचिव हैं, बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। हमारे साथ दलबीर धनखड़ जी हैं, जननायक जनता पार्टी से प्रवक्ता, बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। शालिनी यादव जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है शालिनी जी आपका। और हमारे साथ साथ ही साथ भारतीय किसान यूनियन की तरफ से भी नुमाइंदगी करने के लिए अतर सिंह संधू कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। और साथ ही साथ हमारे इस कार्यक्रम के अंदर कंप्यूटर टीचर्स संघ की तरफ से लगातार अपनी मांगों को रखने वाले जो सदस्य हैं पूनम यादव हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है पूनम जी आपका। लेकिन जरा जल्दी से मैं समझना चाह रहा हूँ सर, जरा राम निवास जी ये बताइए कि जिस तरीके से आज स्थिति है, हरियाणा को अब हड़ताली हरियाणा कहा जा रहा है, इसका मतलब सही है क्या? बिल्कुल सही है जी, क्योंकि लगातार निरंतर जिस प्रकार से सरकार वादे करती है, मीटिंग बुला लेती है, कर्मचारियों से बात करती है, लेकिन उनके पत्र जारी नहीं करती। लगातार वो मिड डे मील वाले हैं कर्मचारी, सर्व कर्मचारी संघ से संबंधित कर्मचारी जो भी नगर निगम के थे पीछे से, उनकी 4 दिन लगातार हड़ताल रही, और हड़ताल में जो वादे किए उन्होंने तो, लेकिन उनके एक भी काम ग्राउंड पे या जो उनके पत्र जारी होने थे वो नहीं करे गए। इसीलिए 8 तारीख की जो सर्व कर्मचारी संघ ने रैली करी थी उसमें गेस्ट टीचरों का भी था, सभी विभाग के थे, हुड्डा के विभाग की थी, जो कि जीएमडीए यहाँ सफेद हाथी खड़ा कर दिया गुड़गांव के अंदर लगातार, जो कि उसमें इस प्रकार के करोड़ों रुपए सैलरी और बिल्डिंग का खर्चा है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो हुड्डा ने काम किया, हुड्डा विभाग ने काम किया, वो इन्होंने अब तक कहीं नजर नहीं आया। नाम तो बदल दिया, उससे कुछ हुआ क्या? नाम बदला है, कुछ भी नहीं हुआ, जो भी बल्कि ये करोड़ों रुपए जो सैलरी और उसके बिल्डिंग का खर्चा है वो वाहियत जनता पे थोपा गया है, ग्राउंड लेवल पे जीरो है। 2 साल हो गए जीएमडी के, आज तक कोई भी एक उपलब्धि बता दीजिए। वाटर सप्लाई का जो काम था, रोड का काम था और सीवर का काम था, निरंतर हुड्डा विभाग बहुत ही सुचारू रूप से कर रहा था, और हरियाणा के नई विश्व के अंदर जो कि हुड्डा ने एक अच्छे साफ सुथरे शहर को बसाने का जो काम किया था, लेकिन उसको बंद करके गुड़गांव के अंदर आज एक भी सेक्टर हुड्डा विभाग के पास नहीं है, सिर्फ उसकी प्लानिंग के सिवा बाकी सारा काम जो जीएमडीए कर रहा है, चाहे सीवर का पानी का। हमें भी तो नजर आई थी उसमें कि ये कहा जा रहा था कि उस पूरी तरीके से प्लानिंग गुड़गांव के लिए नहीं की जा रही है, और इसी वजह से कहा जा रहा था कि चीजें बदलनी चाहिए, और इसीलिए सभी चीजों को दूसरे विभाग को टेक ओवर कर दिया गया। लेकिन अतर सिंह संधू जी, अब तो किसान भी आ चुके हैं, जो हड़ताल हरियाणा के अंदर चल रही है, आपको लग रहा है कि मांगे जो किसानों की तरफ से भी रखी जा रही हैं, बार बार ये कहा जा रहा है कि आर्थिक रूप से किसानों को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए जाएं, सरकार कहती है कि हम कोशिश कर रहे हैं, हम आय दोगुनी करेंगे किसानों की 2022 तक, क्या लग रहा है कोई लक्ष्य है? बस एक वादा कर दिया गया, लेकिन कैसे होगा अभी तक इसका कोई रोड मैप नहीं है। देखिये सुभेंद्र जी, प्रजातंत्र में हर आदमी को अधिकार है अपनी मांगे रखे, सर्व कर्मचारी संघ हो या कोई दूसरी यूनियन, सब अच्छा अपनी मांगों को लेकर के देश में प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उनकी मांग सरकार ने उनकी बातों को सुनना चाहिए,
जो उनकी वाजिब मांगे उनको मान लेना चाहिए। पूरे देश में किसान लगातार त्राही त्राही कर रहा है, लोग सुसाइड कर रहे हैं, कभी कर्जा माफी को लेकर के किसान रोड अप होता है, कभी फसलों के दाम को लेकर के किसान रोड अप होता है, तो सरकार को उनकी बातों को सुनना चाहिए। अभी 8 तारीख को माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा 2022 तक आय दोगुनी करेंगे, लेकिन 2022 का लक्ष्य लंबा लक्ष्य है, 2022 तक तो किसान की हालत ज्यादा खराब हो जाएगी, तो बेहतर चाहिए कि उसमें और कोई वादे किसानों से करें। आय दोगुनी तो 2014 में करनी चाहिए थी, जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करनी चाहिए थी। 10 साल बाद तो बहुत दूर हो जाएगा किसान, जब तक किसान की हालत बहुत खराब हो चुकी होगी। नई जनरेशन में जो किसान है, युवा जो है, वो खेती की तरफ नहीं जाना चाहता, यही कारण है कि वो खेती घाटे का सौदा है। तो मैं तो चाहूंगा सरकार से, सरकार कोई ऐसी योजना लेकर के आए युवाओं के लिए, जो हमारा देश का युवा है वो किसानी की तरफ जाए, क्योंकि जिस देश का किसान सुरक्षित नहीं, वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। तो बाकी देशों को देखते हुए भारत का जो किसान है वो पूरी तरह से सरकार उसका भला नहीं चाह रही है। ठीक है, मैं वापस आऊंगा, लेकिन जरा एक जल्दी से साथ के साथ जो सवाल उठ रहे हैं उनके जवाब भी लेते चलते हैं। शालिनी जी, एक चीज यहाँ पर ये समझ में आ रही है कि 2022 तक का जो लक्ष्य रखा गया है, 22 तक की तो बात की जा रही है, लेकिन आज किसान क्या करेगा उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता है। पलायन एक बहुत बड़ी समस्या आज ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर बन चुकी है। शहरों की अंदर स्थितियां अलग हो रही हैं, वहां बेरोजगारी की जो तस्वीरें हैं वो नजर आ रही हैं, रोजगार मिल नहीं पा रहा है, क्या किया जाए ऐसे में? देखिए शुभेंदु जी, प्रॉब्लम बहुत एक्यूट है और इस चीज़ को अब कोई डिनाई नहीं कर सकता। ये चीज़ सामने आ रही है, धीरे धीरे ये चीज़ें निकल के आएंगी, चाहे मीडिया में ये बातें आए ना आए, सरकार उसको किस तरह से मैनेज करे, लेकिन लोगों में जो परेशानियां हैं वो लोग इसी तरह से अपनी परेशानियां जाहिर करते हैं। शुरू शुरू में छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं सोशल मूवमेंट्स के, जो इसी तरह अपने आप कुछ ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करके उनकी परेशानियों को आगे रखते हैं, और वही हो रहा है सब जगह, चाहे किसान हो चाहे कर्मचारी हो, सबकी प्रॉब्लम्स हैं और बहुत प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। देखिए WTO के साथ जब हमारा अग्रीमेंट हुआ था बहुत पहले, तो उसी वक्त ये चीज़ डिसाइड हो गई थी कि लोगों को किसानी से, खेती से मूव करके एक अर्बन सेक्टर में मूव किया जाएगा, लेकिन उसके मुताबिक जितना मूवमेंट होना चाहिए था वो नहीं हुआ। हम लोगों ने अपने किसानों को यूरिया की सब्सिडीज़ देनी बंद कर दी, और जो डेवलपिंग नेशंस थे हमारे जैसे, उनके किसान एक्चुअली मारे गए, उनको बहुत परेशानियां उठानी पड़ी, लेकिन हम अर्बन सेक्टर में नौकरियां नहीं क्रिएट कर पाए। और यही सारा प्रॉब्लम है जो अब सामने आ रहा है कि ना किसानी बची ना खेती बची, और ना ही हम नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर पाए। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पिछले कई सालों में, जिसे अब कहा जाता है एक्चुअली प्रिडेटरी कैपिटलिज्म, यानी वो उस तरह का पूंजीवाद जो कि भक्षक है एक तरीके से, तो उसमें प्रॉफिट्स जो हैं वो बिल्कुल एक पूंजीवादियों, कुछ पूंजीवादियों के हाथ में जा रहे हैं। तो जो पब्लिक है, जो वहाँ के एक्सपेंसेस घटाए जा रहे हैं, वहाँ पे एक्सपेंडिचर कम किया जा रहा है, तो नौकरियाँ वहाँ पे भी नहीं है, तो इसी की मार जो है वो अब आम जनता को सहनी पड़ रही है, और धीरे धीरे गरीबी और बढ़ती चली जा रही है। तो ये प्रॉब्लम्स एक्यूट हैं और होते जाएंगे। सोमवीर आर्या जी, जरा जल्दी से एक रिएक्शन की, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कह रही है कि हम तो कदम उठा रहे हैं किसानों के रोजगार बढ़ाने, किसानों की आमदनी बढ़ाने को लेकर, देश भर के अंदर रोजगार बढ़ाने को लेकर, लेकिन दिख कहाँ रहा है, स्थिति तो और भयावह हो रही है। देखो सुभेंद्र जी, ऐसा है कि आप अगर हड़ताल पे आज का विषय देखें तो हड़ताल लोकतंत्र की एक खूबसूरती है। जब जिस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीजें लाई गई, जब कॉन्स्टिट्यूशन की परिकल्पना की गई, तो उस वक्त पता था कि जितनी भी जो भी कैटेगरीज हैं, चाहे वो श्रमिक वर्ग है, चाहे कर्मचारी वर्ग है, चाहे किसान वर्ग है, तो उस टाइम ये परिकल्पना की गई कि कोई ये लोग यूनियन बनाएं, उसको कानूनी मान्यता दी जाए और उनके थ्रू उनकी बातें सुनी जाए। तो ये जो आज हड़ताल हो रही है, ये एक लोकतंत्र का बहुत बड़ा जीता जागता उदाहरण है कि हम लोकतंत्र की तरफ अग्रसर हो और लोकतंत्र हमारे यहाँ। दूसरा, अब आप आ जाइए हड़ताल पे, जो स्टेट है, जो राज्य है, ये इसकी परिकल्पना जो कॉन्स्टिट्यूशन में की थी, एक वेलफेयर स्टेट की, कल्याणकारी राज्य के की थी, जिसमें सबसे पहले जनता सर्वोपरि होती है। जनता का सर्वोपरि होना ही कल्याणकारी है, जो जनता के भलाई करनी है, जनता का जो पानी का, बिजली का, स्वास्थ्य का, जितने भी वो है उनके लिए अरेंज करना है, उनके लिए एम्प्लॉय अरेंज करना। अगर एम्प्लॉय जो अरेंज करा, जो रीढ़ की हड्डी है, अगर वही आज हड़ताल में बैठे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार की जो
कम्युनिकेशन है, जो कार्य प्रणाली है, उससे ये लोग असंतुष्ट हैं और उसको सरकार की ड्यूटी बनती है कि कल्याणकारी राज्य स्थापित करना है, उनकी कानूनी जिम्मेवारी है, उनको चाहिए ये करना, तो अपने कर्मचारियों को संतुष्ट करें, उनकी जो जायज मांगे हैं वो माने और वो ये जरूरी है। दूसरा, अब आप कर्मचारियों पर आ जाइए, कर्मचारी की भी ड्यूटी कल्याणकारी राज्य में उतनी ही बनती है जितनी सरकार की ड्यूटी है। वो भी पब्लिक सर्वेंट हैं, जो पब्लिक से फंड आता है, जो टैक्सेस आते हैं, जो वहां से इनकम होती है, उसी से उसकी सैलरी बनती है। तो एम्प्लॉय को भी इस टाइम पे ये देखना है कि बहुत जरूरी जो सेवाएं हैं उनको चालू करके अपनी मांगों के लिए हड़ताल कर सकते हैं और जायज सरकार को उनको माननी चाहिए। ठीक है, जायज मांगों को मानना चाहिए, लेकिन मनीष खटाना जी, जब प्रदेश के अंदर अलग अलग संगठन, अलग अलग विभाग के कर्मचारी जब हड़ताल कर रहे हैं तो विपक्ष कहाँ है, विपक्ष उनके साथ कहाँ है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इस 5 साल की भाजपा की सरकार में ऐसा कोई विभाग नहीं है जो सड़कों पर ना उतरा हो, जिसने इस सरकार की गलत नीतियों का विरोध ना किया हो, लेकिन इस सरकार ने उनको दबाने का और कुचलने का काम किया है। चाहे वो रोडवेज का कर्मचारी हो, चाहे नगर निगम का कर्मचारी हो, चाहे सफाई कर्मचारी हो, चाहे आशा वर्कर हो, चाहे किसान हो, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे छोटा व्यापारी हो, यहां तक कि पंचायतों के सरपंच और नंबरदारों ने भी इनके खिलाफ प्रदर्शन करा। ऐसा कोई विभाग, कोई चुनाव हुआ, कोई भी एक चीज इस सरकार से नहीं बची। अदले बदले की सरकार है, बदले की भावना से काम करती है। इस सरकार ने अगर कोई काम करा है तो नाम बदलने का काम करा है। गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुग्राम कर दिया गया, कितने करोड़ों रुपए खर्च हुए इन फाइलों को नाम बदलने के लिए, क्या उससे गुड़गांव को कोई फायदा हुआ? मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि विपक्ष कहाँ है फिर, कांग्रेस पार्टी कहाँ है, इन हड़ताली कर्मचारियों के साथ कहाँ है, दिख रहे हैं आप? देखिए, जब गुड़गांव में रोडवेज कर्मचारियों ने धरना दिया था, आशा वर्कर ने धरना दिया था, जब सरपंचों का धरना हुआ था, जब किसानों ने धरना दिया, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सभी कर्मचारियों से मिले, हर हड़ताल में पहुंचे और उनको जितना आश्वासन दिया कि जहां तक होगा हम आपकी लड़ाई सड़क से लेकर विधानसभा तक, चंडीगढ़ तक लड़ने का काम करेंगे, और आने वाले समय में आप देखना जितने भी आज इस सरकार से, आज जो त्राहिमाम इस सरकार ने मचाया है, जो इन्होंने अफसरों को बदलने की जो मुहिम चला रखी है, हुड्डा विभाग का नाम बदल दिया गया। आप मेरे को बताइए, हुड्डा विभाग से नाम बदलने से, मैं हुड्डा विभाग पर वापस आता हूं, मैं जरा वापस आता हूं, कांग्रेस पार्टी का समर्थन है आप लोगों के साथ? कांग्रेस पार्टी का समर्थन तो नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी, कोई कांग्रेस पार्टी का नेता नुमाइंदा कोई आपके पास पहुंचा? रोडवेज के प्रोग्राम में पहुंचे, आश्वासन भी दिया, वो घोटाला उजागर भी हुआ, लेकिन सरकार ने उसकी नीति को बदलते हुए कहा कि रीटेंडर करेंगे, हालांकि वो रद्द नहीं। कांग्रेस की तरफ से कोई सपोर्ट मिला आपको? कांग्रेस के जो भी नेता हमारे हर प्रोग्राम में आए हैं, उन्होंने कहा कि आप लोगों की जायज मांग है, परंतु ये जो निकम्मी सरकार की जो कथनी और करनी में जितना अंतर है, ये आप भली भांति जानते हैं। नहीं, खटाना जी, कहां पहुंचे आप? देखिए, मेरे भाई ने बताया कि कांग्रेस का हमेशा हर नेता आपकी हड़ताल में, चाहे वो रोडवेज की हो, चाहे हुड्डा कर्मचारियों की हो, सफाई कर्मचारियों की, हम लोगों की भरसक प्रयास होती है कि आम आदमी की आवाज को ऊपर तक पहुंचाया जाए, उनके दुख दर्द को समझा जाए। हमारे पहुंचने के बाद हम उसकी कोशिश भी करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि जब हम वहां पर पहुंचते हैं तो ये सरकार उसको और ज्यादा तरीके से दबाने में तुल जाती है। हम किसी भी हालात में ये नहीं चाहते कि हरियाणा वासियों का नुकसान हो। पिछले 5 साल में जिस तरीके की राजनीति आज हरियाणा को देखने को मिल रही है, 4 बार हरियाणा को जलाया गया, जिस तरीके से आज यहां पर जीडीपी सबसे निचले स्तर पर है, रोजगार खत्म होता जा रहा है, सरकार को सिर्फ नाम बदलने के, मैं आपसे पहले भी पूछा, मैं दोबारा पूछ रहा हूं, क्या हुड्डा का नाम बदलने से हरियाणा विकास प्राधिकरण, इन्होंने जो नया नाम इन्होंने रखा है, ये हुड्डा के नाम से इतना डरते हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी 3 महीने में 3 बार रोहतक में रैली कर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इनके मन में डर है। तो अगर ये काम करते हैं, अगर अच्छी सरकार है, अगर पारदर्शिता की सरकार है, अगर ये भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है, तो फिर डर किस बात का? क्यों बार बार नाम बदलते हैं, कभी हुड्डा का नाम बदलते हैं, कभी गुड़गांव का नाम? अरे काम डर तो ना। डर तो खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी रहे हैं, इसीलिए अपने जो पहले के अध्यक्ष थे उनको बदलने के लिए खूब जोर लगाया उन्होंने। खैर, छोड़िए उस बात को। लेकिन दलबीर जी, अब इस वक्त जो हड़ताल पूरे प्रदेश भर के अंदर चल रही है, ये क्या कह रही है, और वो भी विधानसभा चुनाव से पहले, क्योंकि बीजेपी तो ये कह देती है कि हड़ताल जो है उनका अधिकार भी है, वो अपना अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन जो जायज मांगे होंगी वो पूरी की जाएंगी। लेकिन जो फेरिस्त है, जो इतने लंबे समय से जो लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन, हड़ताल जो की जा रही है, क्या लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा समय ले रही है सरकार, या जो आला अधिकारी है वो ज्यादा समय ले रहे हैं? शुभेंदु जी, भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र को अगर हम उठाएंगे तो 2-3 बात उन्होंने बड़े
अच्छे से कर्मचारियों को एक में लिखी थी, सबसे बड़ा मुद्दा उनका था पंजाब के समान वेतन देंगे, वो लागू नहीं किया। दूसरा, उन्होंने सबको पता है संतर मंत्र पे रामविलास शर्मा जी रिटायर्ड जज को लेकर गए थे, बोले भाई आप बैठे हुए हैं जिनको गेस्ट टीचर कहते हैं, हालांकि भूल की थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, गेस्ट टीचरों का तो कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए स्कूल में, गेस्ट का क्या मतलब है, शब्द ही गलत है, गेस्ट का भी मत कहो, शिक्षक बहुत बड़ा नाम है उसको गेस्ट कहना बुराई है, तो हुड्डा साहब के साथ तो पाप लगेगा कभी ना कभी, ऐसी बात नहीं है कि शुरुआत वहीं से होती। तो उन्होंने कहा था पहली कलम से हम आपको पक्का करेंगे, और भाई तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं तो मैं रिटायर्ड जज को साथ लेके आया हूं, पहली कलम से हम पक्का करेंगे, और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है आज भी उनका नाम गैस टीचर ही है, और कितने घर बैठा दिए वो सबको पता है। जहां तक कृषक में है, किसानों के लिए मैं हैरान हूं इस बात से, आमदनी दुगनी कर देंगे 2022 तक, किसान की तो आमदनी इन दुगनी किस चीज को करोगे, आपने जो घोषणा पत्र में लिखा हम डेढ़ गुना देंगे, हरियाणा के घोषणा पत्र में साफ शब्दों में लिखा लागत का डेढ़ गुना देंगे, जिस दिन किसान को उनकी लागत का डेढ़ गुना मिल जाएगा उन्होंने किसी तरह का कोई कर्जा माफ नहीं चाहिए, कोई फ्री की बिजली नहीं चाहिए, उनका जो लागत का डेढ़ गुना दे दीजिए उनका भला हो जाएगा। सबसे बड़े दुख की बात, किसान का बेटा सेना में है, किसान का बेटा मेडल लेता है, और किसान का बेटा ही अनपढ़ है, ये बड़ा चिंता का विषय है। भारतीय जनता पार्टी का सबसे पहला बजट आया था, वो व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं है अरुण जेटली जी, उन्होंने बड़े, मैं तो दुख के साथ कहता हूं, क्या कहना पड़ा उन्होंने, ये कहना पड़ा 52% देश की आबादी जिनका जीडीपी में कोई योगदान नहीं, वो किसान है, ये पहले पहले में दिया, परंतु भारतीय जनता पार्टी एक अलग मुद्दे पर चल गई, उनके सामने कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस बिल्कुल मिट चुकी प्रदेश से, जिसका फायदा उनको मिल रहा है लोकसभा में उनको टक्कर देने के लिए, बात रखने के लिए कोई नहीं बचा। उन्होंने अब इस बार चुनाव में देख लीजिए, एक ने कहा मैं चौकीदार, एक ने कहा चौकीदार चोर है, जो चौकीदार चोर कहने वाले व्यक्ति को कितनी सीटें मिली, 10% भी नहीं मिली देश की, वो आज कहां है, वो गद्दी छोड़ के भाग गई। तो बड़ा चिंता का विषय यह है, विपक्ष नाम की चीज लोकसभा में नहीं है, ये बड़ी चिंता का विषय है। जहां तक विधानसभा की, प्लीज एक मिनट मौका दो, जहां तक विधानसभा की बात है, चाहे कांग्रेस हो चाहे इंडियन नेशनल लग दो लो, या मान के चलो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले हुए थे, जींद उपचुनाव में आपको बता सकता हूं 17 सीटें कांग्रेस के पास थी, 14 सीटें इंडियन नेशनल लोकदल के पास थी, आज 14 में से 10 इन्होंने बीजेपी में चले गए हैं, और कांग्रेस के मेरे मित्र या बैठे हुए हैं बताएंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का तो काम ही एक था कि अशोक तंवर को कैसे हटाया जाए, इसी बात पर वो 5 साल निकाल गए, कोई मुद्दा ये लोग विधानसभा में नहीं उठाए, विधानसभा के चुनाव में राज्यसभा के चुनाव जब हुए 13 की 13 क्रॉस वोट कर दी, जिससे भारतीय जनता पार्टी का मनोबल ऊंचा होता चला गया, परंतु आज भारतीय जनता पार्टी के अगर किसी ने पोल खोलने का काम किया तो आपको सबको पता होगा बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा हरियाणा में, हरियाणा में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। बिल्कुल, मैं पूनम जी आपके पास भी आता हूं, लेकिन खटाना जी ये एक बहुत बड़ा विषय है कि जब आपके पास जिम्मेदारी थी, आपको जब प्रदेश के जो बड़े मुद्दे थे उनको जब सामने लाने का मौका था आपके पास, वो आप ला नहीं सके, आप अपनी अंदरूनी टूट के अंदर लगे रहे, कैसे दूसरे नेता की टांग खींची जाए, आप उसी सब में व्यस्त रहे, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता, मंत्री सब ये कहते हैं कि विपक्ष तो है ही नहीं हमारे सामने। देखिए कांग्रेस पार्टी, हम कभी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करते, हम काम में विश्वास रखते हैं, विकास में विश्वास रखते हैं, और जो मेरे बड़े भाई ये बार बार कह रहे हैं कि आपने विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई, आपने लोगों की आवाज सड़कों में नहीं उठाई, तो मैं इनका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसी भाजपा सरकार में पूरे हरियाणा में किसान यात्रा चलाई थी, किसानों के लिए जो जिनके साथ 45 किलो का जो कट्टा कर दिया गया और उसका रेट बढ़ा दिया गया, किसानों को यूरिया लाइनों में लगाकर थानों में सुबह 4 बजे उनके बाद उनके लाठियां से भांजी गई, जिस तरीके से अत्याचार इस सरकार ने किसानों के प्रति किया, सबसे पहले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आवाज उठाने का काम करा, चाहे वो विधानसभा की बात हो चाहे सड़कों की बात हो, हमेशा किसानों के साथ खड़े रहे। जहां तक बात है रोडवेज कर्मचारी की, सबसे पहले अगर किसी ने आवाज उठाई तो उसका नाम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। अगर आज हम विकास की बात करें और भाईचारे की बात करें, अगर 10 साल की जो उनके कार्यक्रम, जो उनके सरकार के कार्यक्रम थे, जो उनके कार्यकाल में काम हुए, आज आप देखो गुड़गांव कहां पर है, आज गुड़गांव में इस सरकार ने, भाजपा की सरकार ने क्या काम करा, क्या कोई हॉस्पिटल की एक ईंट कहीं हरियाणा सरकार ने, भाजपा सरकार ने इस 5 साल में लगाई, क्या कोई एक बिजली का पावर प्लांट लगाया, क्या कोई हड़ताल आज चल रही है, जो हड़ताल आज चल रही है खटाना जी, क्या उसका आपने खुले तौर पर समर्थन किया, आपने सरकार को घेरा इस मुद्दों को लेकर? देखिए हम सरकार को बात घेरने की नहीं है, कल हमने युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में मुख्यमंत्री जी का घेराव करा, उनकी कोठी का करनाल पर जाकर। इतने समय तक आप सो रहे थे क्या? मैं ठीक है, मैं वापस आऊंगा जरा पूनम जी से एक एक्शन। कंप्यूटर टीचर्स लगातार अपनी मांगों को रख रहे हैं, कोई आश्वासन अभी तक?
सरकार की तरफ से हमारा आश्वासन, हमें मीटिंग हुई थी हमारी 24 जुलाई को सीएम सर से, उन्होंने हमें कहा था कि हम आपको मतलब पोस्ट में मर्ज करेंगे दत्तेश्वरा पोस्ट में, लेकिन वो अब तक आश्वासन ही रहा है, हमारा अब तक कोई सोल्यूशन नहीं हुआ है। 20 तारीख से हम धरने पे बैठे हैं पंचकुला में लगातार, तो हमने प्रोटेस्ट भी किया है कई बार सड़कों पे आकर, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा है। 2013 से हम स्कूलों में ज्वाइन किया था हमने, उसके बाद हम कंटिन्यू अपनी सेवाएं वहाँ पे दे रहे हैं, हमारा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है कभी 6 महीने के लिए। सरकार बनने से पहले आपको क्या आश्वासन दिया था? सरकार बनने से पहले हम जंतर मंतर पे थे, वहाँ पे रामविलास जी आए थे, ठीक है, फिर वो जो कैप्टन अभिमन्यु आए थे, और जो किसी अभी हमारे स्वास्थ्य मंत्री है जो हमारे, वो भी हमारे पास आए थे, लेकिन उन्होंने हमें कहा था कि हमारी सरकार आते ही हम पहली कलम से आपको पक्का करेंगे। कहाँ है उनकी वो पहली कलम? आज हम 5 साल से अपनी गवर्नमेंट के साथ लड़ रहे हैं लगातार, हमने 9 महीने भी धरना दिया है पंचकुला में 2015 में, उसके बावजूद भी हमारा आज तक कोई सोल्यूशन नहीं हुआ है। हम कंटिन्यू इस चीज को लगातार खींच रहे हैं कि हमारे को सोल्यूशन हो, लेकिन आज तक कोई भी नहीं सोल्यूशन नहीं हुआ है। हम सड़कों पर है, हमारी सैलरी 10 से 15 हजार रुपए है, हम उसमें कैसे गुजारा करें? आज चलान कर दी 10 हजार रुपए के, हमारी 40 हजार रुपए है, हम कहाँ से अपना घर खर्च चलाएंगे? चलान हो गया, हमारी सैलरी तो 1 महीने गई पूरी, 1 चलान भी, हम अपना घर कहाँ से चलाएंगे? गवर्नमेंट वो सब चीजें कर रही है, लेकिन जो बेरोजगार बैठे उनके लिए कुछ नहीं कर रही है। बार बार ठीक है, रोजगार स्थापित करने के लिए बहुत सारे जवाब भी हैं, मैं सभी मेहमानों के पास वापस आऊंगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के उस पार जरा इसी बात को लेकर चर्चा करेंगे कि हड़ताल जब एक तरफ पूरे प्रदेश भर के अंदर चल रही है, दूसरी तरफ सरकार उन कर्मचारियों की बातों को सुनने के लिए क्या तैयार नहीं है? इतना समय आखिर क्यों लग रहा है? क्या अधिकारी और सरकार की तरफ से ये कह लीजिए, ये मान ले किया कि वो इन हड़तालों को सिर्फ और सिर्फ नजरअंदाज कर रही है? छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और बात हरियाणा की है। दरअसल हरियाणा के अंदर हड़ताल का जो दौर चल रहा है वो आखिर किस दिशा में जा रहा है, क्या सरकार सुन नहीं रही है? बहुत सारे सवाल हैं, जरा सभी खास मेहमानों के पास जाऊं, लेकिन दो खास मेहमान हमारे साथ और कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल से प्रवक्ता सुखवंत जी हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में, और हमारे साथ रोडवेज कर्मचारी यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष सुदेश पन्नू जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सुदेश जी आपका कार्यक्रम में। लेकिन जरा एक रिएक्शन में सुखवंत जी आपसे लेता हूं, क्या आपको लग रहा है कि हरियाणा के अंदर जो हड़ताल चल रही है सरकार सुनना नहीं चाहती है, या विपक्ष कमजोर हो चुका है कि जो हड़ताली कर्मचारी हैं उनकी आवाज को बुलंद नहीं कर पा रहे? चलिए ठीक है, मैं उनसे जवाब लूंगा, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले कुछ कह रही थी आप। चल देखिए शुभेंदु जी, अगर आप पिछले कुछ साल में देखें कि इस सरकार का काम करने का पैटर्न क्या है, जो बात आप बार बार पूछ रहे हैं कि क्या सरकार सुन नहीं रही है, तो सरकार का पहला जो रिएक्शन होता है किसी भी प्रोटेस्ट का वो ये होता है कि बिल्कुल अनसुना कर देना, एक वॉल क्रिएट कर देना कि हमें सुनता ही नहीं है, न प्रशासन न सरकार कोई सुनता नहीं है। अगर हड़ताल उसके बाद भी या मांगे उसके बाद भी बहुत ज़्यादा रहती हैं, ग्रुप्स होते हैं, तो उनके ऊपर उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में रख लिया जाता है, जहाँ पे अभी जैसे सिरसा में भी हमने देखा कि किसानों का एक ग्रुप आया था और उनको पहले ही पुलिस ने रोक दिया है, कल ही कवरेज है उसके भी इंडिया टुडे में। और उसके बाद दूसरा ये होता है कि उनकी नेगोशिएशन की स्ट्रैटेजी ये है कि जैसे कई लोग कहते हैं, बुलाते हैं बार बार या डेट देते हैं, जैसे ही ग्रुप बहुत बड़ा हो जाता है, वो मूवमेंट बहुत बड़ी हो जाती है, तो उसको उस वक्त एक अश्योरेंस दे दिया जाता है कि आपकी बात पे सुनवाई होगी, लेकिन जब उसके बाद जब भीड़ बिखर जाती है उसके बाद उससे वो बैक ट्रैक कर जाते हैं। तो ये है कि नेगोशिएशन को कितना लंबा खींच सकते हैं कि धीरे धीरे वो जो मूवमेंट है वो अपने आप ही लोगों के मन में लोग हतोत्साहित हो जाए और धीरे धीरे वो मूवमेंट पूरा बिखर जाए, उनका यही रहा है स्ट्रैटेजी। आप चाहे किसानों के साथ देख लें, आप देख लीजिए युवाओं के लिए देख लीजिए, आप महिलाओं के मुद्दों पर देख लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर पे किसी पे भी, और ये बात बिल्कुल सही है, पिछले 5 सालों में विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई है। जिस तरह की राजनीति वो करने के शायद आदि हो गए थे, एक बहुत कंफर्टेबल राजनीति कि 5 साल में एक बार आप जाएंगे वोटर से वोट मांगेंगे वो वोट दे देगा बात खत्म हो जाएगी, मेहनत की राजनीति किसी ने नहीं की है, इसीलिए लोगों को अपने मुद्दे खुद उठाने पड़ रहे हैं और वो उठा रहे हैं। हाँ जी, मेरा एक
एक ही रिक्वेस्ट है सरकार से कि एक एम्प्लॉय कैसे लगता है, उसकी प्रोसेस क्या होती है, टेस्ट, इंटरव्यू, देन ज्वाइनिंग। वही सेम प्रोसेस हमने की है, सीटेक का टेस्ट हमने दिया, देन इंटरव्यू हमने दिए, उसके बाद हमारी मेरिट लिस्ट डीएससी में गई, उसके बाद हमारी ज्वाइनिंग हुई। तो आज तक हमारा कोई भी स्टैंड क्यों नहीं है स्कूलों में, हम क्यों भी कॉन्ट्रैक्ट के एम्प्लॉई हैं अब तक भी, हमने सारी प्रोसेस बड़ी अच्छे से कंप्लीट की है अपनी। हम सारे एम्प्लॉई जो भी हैं मेरिट लिस्ट पे लगे हुए हैं, हमारी क्वालिफाई बीटेक, एमटेक, एमसीए, बीसीए, हम सारे वेल क्वालिफाइड हैं और हमारे पास अब तो एक्सपीरियंस भी है 5 से 6 साल तक का, उसके बावजूद भी हम रोड पे बैठे हैं। गवर्नमेंट कहती है डिजिटल बनाओ, कैसे बनाओ डिजिटल, कंप्यूटर तो बाहर बैठे हैं, उनको निकालो बाहर, और वैसे फिर सारा काम ऑनलाइन, टोटली काम स्कूलों में ऑनलाइन है आज, उसके बावजूद भी गवर्नमेंट हमारा कुछ नहीं कर रही है, क्यों नहीं कर रही है, क्या गलती है हमारी कि हम पढ़ लिख लिए उसके बाद भी हम रोड पे है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और रोड पे बिठाओ, क्या है सरकार का नारा, क्यों है, किसके लिए है? बेटियां आज रोड पे बैठी हैं, सारे कंप्यूटर टीचर्स जितने परसों हमने प्रोटेक्ट किया, हमें उठा के जेल में लेके गए, पुलिस स्टेशन लेके गए, क्यों लेके गए, क्या गलती थी हमारी, सिर्फ यही कि हम रोड पे आए अपनी मांगों के लेके, अपनी जो हमने स्टडी की है किस लिए की है, सिर्फ अपने घर को अपने बच्चों को सक्सेस करने के लिए, लेकिन हम कैसे करें उन्हें जब हम ही रोड पे हैं। तो ये बड़ा सवाल है, मैं जरा आता हूँ, मैं इस पर रिएक्शन लूंगा, लेकिन सुदेश पन्नू जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सुदेश जी जरा एक सवाल का जवाब तो दीजिए कि आपको भी आश्वासन मिला, क्योंकि यहाँ आश्वासन की घुट्टी तो सभी को पिलाई गई है, आपको भी पिलाई गई होगी। कई बार दे चुके सरकार, बिल्कुल झूठ बोल रही है, झूठ के सिवा सरकार को कोई काम नहीं है। कई बार हमारे को बुलाया गया, कभी सीएम हाउस में बुलाते हैं, कभी कहीं बुलाते हैं, बार बार आश्वासन दे के टाल देते हैं, टाल देते हैं। हमारे से तो ऐसे ऐसे काम करवाए गए हैं इलेक्शनों में, हमारी ड्यूटियां लगाई गई कि तुम ये काम करो, इस इलेक्शन के बाद आपका काम करेंगे, इस इलेक्शन के बाद आपका काम करेंगे, लेकिन बात वही के वही है कि इनको कितना लंबा चल सकते हैं, कितना लंबा चल सकते हैं। हमारे को कभी गिरफ्तार करते हैं, कभी लाठियां बरसा रहे हैं, हमारे कई साथियों को, 45 साथियों को 2 अगस्त को चोटें आई थी। ठीक है, ये तो हालात है आज, ये तो हालात है, मैं जरा रिएक्शन लूंगा, लेकिन जरा सर एक चीज तो बताइए कि सरकार के ऊपर जब बार बार ये कहा जा रहा है कि सत्ता में आप नहीं थे तो आप उस वक्त की सरकार को घेर रहे थे, आपने कहा कि हम जब सत्ता में आएंगे तो हम सभी वादे पूरे करेंगे, लेकिन अब सत्ता में आने के बाद ऐसी क्या परिस्थिति बदल गई है, चाहे कोई भी सरकार की बात हो, मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा, कोई भी दल हो, जब उनकी सरकार बन जाती है तो उसके बाद ऐसा क्या परिवर्तन आ जाता है, कर्मचारी जिसके साथ वो धरना स्थल पर जाकर मिलते हैं, बातचीत करते हैं, उनको आश्वासन देते हैं, उनसे दूरी बना लेते हैं? देखिए सुभेंद्र जी, जो कर्मचारियों की जो डिमांड है ना, उचित डिमांड है, ये सरकार को मान लेनी चाहिए और सरकार की आलोचना होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, और जितना भी जो भी इनकी कंडीशंस हैं, जो भी इनकी समस्याएं हैं, जो भी इनकी मूलभूत परेशानियां हैं, वो सरकार की ड्यूटी बनती है, कानून ड्यूटी है, वैसे भी ड्यूटी है, तो वो पूरी होनी चाहिए, और अगर वो नहीं होती है तो कर्मचारी अगर वादा किया, एक तो सबसे पहले बड़ी दिक्कत तो ये है कि पिछली बार भी मैंने कहा कि एक तो ट्रांसपेरेंसी नहीं, आपके जो वादे और जो प्रतिनिधि आते, इधर से सरकार के प्रतिनिधि आएंगे, इधर से एम्प्लॉय के प्रतिनिधि आएंगे, उस वक्त बिल्कुल रिटर्न और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि क्या मांगे थी, कितनी मान ली, क्या वो होता ही है कि कुछ वो कर्मचारी नेता, कुछ वो सरकार के नेता मिल मिला के और एक आम कर्मचारी को अंधेरे में रखकर वो उसको एजिटेशन को खत्म करवा देते, उस वक्त ये बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर वो डेमोक्रेसी में क्या है, आप जनता के पास जाइए, जनता उनको पॉलिटिकल पार्टी को सुझाती, अगर जैसे आरोप लग रहे हैं कि भाई ये सरकार मान ही नहीं रही किसी बात को, पिछले 5 साल से ये सरकार जो है ये किसी बात को नहीं सुन रही है, हमारे भ्रष्टाचार हो रहे हैं, ये तो आप जनता के पास जाइए और ये बातें जनता के पास आती हैं तो जनता उनको सजा देगी। तो पिछले दिनों जैसे ये दूसरी पार्टी जो पार्टी प्रवक्ता है विशेष करिए खटाना साहब कांग्रेस से, अरे जड़ तो आपकी की हुई है, आपकी पॉलिसी जो इम्प्लॉयमेंट की थी जो पिछले 10 सालों में आपने खराब तो आपने किया, वहां से शुरुआत तो वहां से हुई है। टीचर का गेस्ट, टीचर का क्या मतलब गेस्ट, टीचर का भी कोई गेस्ट होगा, आप बताइए कॉन्ट्रैक्ट बेस पर अपने भाई बताइए सारे भ्रष्टाचार फैला के इनको इम्प्लॉयमेंट इतना और कर दिया, बजट बनता है, एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत इन्होंने किया नहीं, ठीक है आज उन्होंने जो भी कुछ भी किया, लेकिन आज जो सरकार हो कटघरे में है, इसकी आलोचना होनी चाहिए, हम इसकी आलोचना करते हैं और हमारी ये सरकार से अपील है जनता की तरफ से कि इम्प्लॉयज की बात सुनी जाए और इनका जो भी समस्या है उनको हल करके इनको जनता हल होना चाहिए, लेकिन जड़ तो आप ही हैं, कांग्रेस पार्टी ने जो शुरुआत कर दी आज भुगतान उसी का हो रहा है। देखिए आरोप लगाना बड़ा आसान है,
काम सच्चाई नहीं है क्या ये? मैं उस बात पे आ रहा हूँ, काम करके दिखाना बड़ा मुश्किल है। मेरे बड़े भाई ने कहा भाई ठीक है जी आपने लगाए, हमने कच्चे तो लगाए, कम से कम रोजगार तो दिया, घर चलाने का मौका तो दिया। आप ये सरकार की भाषा बोल रहे हैं, आप सरकार की भाषा बोल रहे हैं। मेरी बात कंप्लीट होने दो, कच्चे तो लगाए, गैस टीचर तो लगाए, हुड्डा साहब ने किसी का घर का चूल्हा तो जलाया, इन लोगों ने क्या करा? इन लोगों ने तो पक्के लोगों को कच्चा करने का काम करा और जो कच्चे थे उनको बाहर निकालने का काम करा। इनकी सरकार, भाजपा की सरकार लूट फूट और झूठ की सरकार है। हमारी पीछे बहन बैठी है जो गैस टीचर है, जिन्होंने ये बात बताई। आदरणीय रामविलास जी, यहां पर जब इनका धरना चल रहा था 2013 के अंदर, ये खुद गए कि हम सरकार आते ही पहली कलम से आपको पक्का करने का काम करेंगे, और रामविलास जी को शिक्षा विभाग भी दे दिया गया। आज 5 साल हो गए, क्या एक भूपेंद्र हुड्डा की जब सरकार, भूपेंद्र हुड्डा से पहले की जो सरकारें थी परमानेंट नियुक्तियां होती थी, लेकिन आपने ये परिपाटी शुरू कर दी, धोखा तो आपने किया था ना? भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के कार्यकाल में जितनी नौकरियां 10 साल में दी गई 1966 से लेकर, गैस टीचर की जो परिपाटी जो शुरू की गई वो किसके कार्यकाल में की गई? 1966 से लेकर आज तक इतनी नौकरियां दिया गई, जिस पारदर्शिता से काम हुआ, जिस भाईचारे से काम हुआ, जिस 36 बिरादरी को साथ लेकर हरियाणा का जो विकास का पहिया हुड्डा साहब, इसीलिए इतने बड़े बड़े आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं? नहीं, इसीलिए इतने बड़े आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं? एक बहुत सिंपल सी कहावत है, जो आदमी काम करके दिखाएगा उसमें नुक्स निकालना बड़ा आसान है। जब भाजपा सरकार काम करेगा वो भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे उसके ऊपर, नहीं भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे उनके ऊपर। सरकार ने कोई काम ही नहीं किया तो आरोप और प्रत्यारोप किस चीज का, कोई काम ही करके नहीं दिखाया। हाँ, इन्होंने एक काम जरूर करा, इन्होंने भाई को भाई से लड़ाने का काम करा। इनका सांसद मोहजे सैनी जी, जिन्होंने 35 बिरादरी का नारा दिया, हरियाणा को जलवाने का काम करा। कर्मचारी हो, खिलाड़ी हो, किसान, केंद्र में कौन था? आज सभी के सभी सड़कों पर है। अगर आगजनी की बात कर रहे हैं तो उसके सेंटर में कौन था? कांग्रेस के ऊपर आरोप लग रहे थे। सरकार की एक खूबी और भी है, देशवासियों को और प्रदेशवासियों को भावनाओं में बहाकर जिस तरीके से लोगों की वोट हासिल करते हैं, और उसके बाद कांग्रेस ही कर नहीं पा रही है ना, कांग्रेस ही कर नहीं पा रही है। समेंदु जी, कांग्रेस को जब से हुड्डा साहब को थोड़ी सी पावर मिली उसके बाद ही पता लगा इन बातों को, वैसे पता नहीं था, सोए हुए थे ये। मैं आपको बताना चाहूंगा, हुड्डा डिपार्टमेंट की बातें हुई, हुड्डा के मेरे मित्र बैठे हुए हैं। हुड्डा एक ऐसा डिपार्टमेंट था हरियाणा में जो पूरे हरियाणा को कमा के खिलाता था, मतलब जब सैलरियां कम पड़ती थी तो हुड्डा डिपार्टमेंट से पैसे जाते थे और लोगों को दिए जाते, सबसे प्रॉफिट का जो था हुड्डा डिपार्टमेंट था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने सबसे पहले हुड्डा डिपार्टमेंट को ही खत्म किया। कैसे खत्म किया मैं बता सकता हूँ, प्रूफ है मेरे पास। 57 सेक्टर गुड़गांव में सबसे आखिरी सेक्टर आया था चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के टाइम में 2004 में। उसके बाद जनता का कोई सेक्टर 10 साल में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नहीं दिया। 57 की बजाय 115 सेक्टर गुड़गांव में आज है, 115 के 118 विषय ने सारे प्राइवेट सेक्टर को दे दिए गए, और जमीनें किसानों की सेक्शन 4-6 के नोटिस दे देकर प्राइवेट बिल्डरों से कर दिवा के, और आज जो पानी की जो बहुत भारी समस्या है, सारे रस्ते बेच दिए, सारी पंचायत की जमीनें बेच दी, सारे जोड़ बेच दिए, सारे नाले बेच दिए। आज रस्ते नहीं बचे हैं पानी को जाने का, पानी को रुकने का, जहां जोड़ तालाब थे वो खत्म कर दिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने। मैं फिर कहता हूं, शिक्षा को खत्म करने का काम किया इस प्रदेश से, कैसे खत्म किया? ये गैस टीचर, अरे ठेका प्रथा कहां से शुरू हुई? भूपेंद्र सिंह हुड्डा से। और भारतीय जनता पार्टी ने वायदा किया था ठेका प्रथा हम खत्म करेंगे और गैस टीचरों को पहली कलम से पक्का करेंगे। अब किसानों के ऊपर आ जाना, किसानों के लिए कांग्रेस से को पूछे ना, स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट आज बात कर रहे हैं, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट तो कांग्रेस के समय आ गई थी, लागू करने में क्या जाता था, हिम्मत नहीं थी। ये कांग्रेस ने इस देश का किसान का सबसे ज्यादा नाश किया, कांग्रेस के टाइम से हुआ है। इनको आदत पड़ गई, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज ये सीएलपी लीडर को हटा रहे 4.5 साल में, इसका मतलब मुद्दे नहीं उठा पाई। अब मैं एक महीने में जब एक भी सेशन नहीं बचा हुआ, हुड्डा साहब को पावर दे दी गई, तो ये चिंता का विषय। इस तरह से ही आपको सबको पता है इंडियन नेशनल लोकदल में अभय सिंह चौटाला जी नेता पोजीशन थे, परंतु सरकार के साथ मिलकर कभी मुद्दा ही नहीं उठाया। सही कह रहे हैं सब जो कह रहे हैं, आज विपक्ष नाम की चीज नहीं रही 4.5 साल में। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत बढ़ती गई। मैं तो बार बार आरोप लगा रहा हूं, स्वामीनाथन आयोग की बात, अधिकार नहीं है कांग्रेस को करने का, SYL का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि पंजाब में सबने पता है किसकी सरकार ने उसको विरोध किया था। हमारा जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था 2002 में, 2004 में डिसमिस कर दिया उसको, किसकी सरकार थी? अमरिंदर सिंह की। तो कुछ नहीं कर सकती, तो कांग्रेस की भी थी जिम्मेदारी, तो कांग्रेस की भी थी। जरा अतर सिंह जी, ये राजनीति तो हुई है, चाहे कोई भी सरकार रही हो, किसी भी दल की रही हो, राजनीति तो हुई है। देखिए सुभेंद्र जी, मैं तो ये कहूंगा जो 10 साल तक कांग्रेस सरकार ने किसानों को बर्बाद किया, उसी पटपाटी पे बीजेपी ने काम किया। लेकिन मुझे उम्मीद है कि माननीय प्रधानमंत्री से अब किसानों के लिए कुछ सोचने की कोशिश की, लेकिन किसान के लिए कुछ ज्यादा करना पड़ेगा। जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू तुरंत करना चाहिए,
और बाकी जो जैसे फसल बीमा योजना है, किसान कार्ड है, उन पे ध्यान दे करके उनको किसानों को हेल्प करनी चाहिए। जैसे अभी भी लोन के ऊपर उनके 12-13% किसानों से लिया जाता है, जो 4% की बात हुई थी किसानों पे, जो फोलियो चार्जेज के नाम पर, विजिट चार्ज के नाम पर, इंस्पेक्शन चार्ज के नाम पर जो चार्जेज लिए जा रहे हैं, बैंकों को रोका जाए, जब भी किसान का भला हो सकता है। पूरे देश में किसान के और जैसे ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन का तरीका है किसानों की फसलें बेचने का, उसको बढ़ावा देना चाहिए। नेट बैंकिंग के थ्रू किसानों को, जो किसानों की फसलें उनको बेचना चाहिए। किसान की फसल का भाव वाजिब मिले तो किसान का भला हो सकता है। मेरा ये मानना है कि सरकार में जो भी नेता बैठे हैं उनकी पेंशन बंद कर दें। किसान का गेहूं तो 50 रुपए किलो बिकेगा, किसान का भला जब ही हो सकता है जब देश की सरकारों को, देश के नेताओं को जागना पड़ेगा किसान की, किसान का भला सोचने के लिए उनको सोच में बदलाव लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, जरा रामनिवास जी जरा जल्दी से बताइए कि इसमें हुडा विभाग को लेकर और सभी जो जितने विभाग के जो कर्मचारी लगातार अपनी हड़ताल करे हुए हैं, आपको लगता है कि बहुत देर कर दी है सरकार, बहुत देर लगा रही है? सुरेंद्र जी, जेजीपी के साथी ने ठीक कहा कि हुड्डा का विभाग का जो है नाश तो इन्होंने कर दिया था, हुड्डा साहब नहीं, लेकिन जो सत्यानाश करा वो ये बीजेपी की सरकार ने कर दिया। कर्मचारियों को कोई शोक नहीं है कि हड़ताल करे, प्रदर्शन करे, कोई इस प्रकार की, जो कि बीजेपी के जो संकल्प पत्र कहते थे, ये संकल्प पत्र में वो सारे वादे किए थे जो कर्मचारी आज रोड पे, चाहे वो रोडवेज के कर्मचारी है, चाहे गैस टीचर हैं, चाहे ये कंप्यूटर टीचर हैं, चाहे एमसीजी के कर्मचारी है या एनएचएम के कर्मचारी हैं या आंगनवाड़ी के हैं या वन विभाग के, सभी कर्मचारी आज रोड के ऊपर हैं और उनकी कोई भारी मांग नहीं है। वो कह रहे हैं ठेकेदारी प्रथा बंद कर दो, समान काम समान वेतन दे दो और हमें सरकारी कर्मचारी वो करें, लेकिन इस सरकार ने जो वादे किए थे ये अब दूसरों पे जो वो वादा खिलाफी का या वो बात करती है ये निराधार है, क्योंकि इन्होंने अपने घोषणा पत्र संकल्प पत्र में ये बात करी थी। हम वही मांगे मांग रहे हैं, अलग से हमारी मांग कोई डिमांड नहीं है, हम अलग से कोई मांग नहीं है, सिर्फ वही मांगे हैं जो पहले भारतीय जनता पार्टी ने कर्मचारियों से की थी, लोगों से की थी, उन मांगों को ही पूरा नहीं कर रही है। लेकिन सोमवीर जी बात ये है कि विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, दूसरी तरफ हड़ताल चल रही है, क्या सरकार नहीं चाहती है कि इस हड़ताल का हल हो, क्योंकि इसका बुरा जो असर है वो तो विधानसभा चुनाव में बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है, ये समझ नहीं आ रहा होगा क्या? देखिए एक सेकंड में बताता हूँ, 2004 में चौटाला साहब की सरकार के कार्यप्रणाली कारगुजारियों से तंग आके कांग्रेस गवर्नमेंट आई, 2014 में कांग्रेस ने 10 साल तक जो किया जग जाहिर है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, उसको कारगुजारी और उनका जो करप्शन था, उनका जो भाई भतीजावाद था, उसको खत्म करने के लिए एक परिकल्पना की बीजेपी की, परिकल्पना थी, क्योंकि इनका काम कभी इन्होंने देखा नहीं था, कभी इनके इनसे वास्ता नहीं पड़ा था हरियाणा गवर्नमेंट का कि बीजेपी क्या फंक्शनिंग है, 14 में किया। इस जो लोकतंत्र है इसमें सबसे बड़े अदालत, सबसे बड़ा न्यायाधीश जनता होती है। अब 10 सीटें छह दो छह तीन महीने पहले दिया है, अगर कर्मचारी दुखी है, किसान दुखी है, हर दुखी है। देखो किसान की प्रॉब्लम को मैं मानता हूँ, एकदम मानता हूँ, किसान की प्रॉब्लम बहुत गहरी है, बहुत बड़ी है और इतनी जल्दी हो नहीं सकती, उसके लिए सरकार को करना इतना ही जरूरी है जितना कि इंसान को सांस लेना जरूरी है। इसके अलावा अगर कोई आप बात करते हैं तो वही बात आती है, अब बहन जी कह रही पहली कलम का वादा, कह रही पहली कलम की जरूरत क्यों पड़गी, आपको चाहिए था कि सरकार को चाहिए था पिछली गवर्नमेंट को कि परमानेंट लगाते, इनकी कलम की जरूरत नहीं पड़ती। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ये जो भ्रष्टाचार का और जो ये जो सिस्टम फैला हुआ है, अगर इतना ही बुरी सरकार रहती है 10 क्यों दे दी, और अब सरकार को भी सोचना है, सरकार नहीं सोचेगी तो ये जनता चुनाव भी बिल्कुल बिल्कुल नजदीक है। चलो जरा जल्दी से रिएक्शन ले लेते हैं। देखिए मेरे भाई ने, जेजेपी के प्रवक्ता साहब ने बड़े आरोप लगाए, मैं क्लियर कर दूं, 10 साल के हुड्डा साहब के कार्यकाल में हरियाणा को नंबर वन बनाने का काम करा, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में। अभी हम अब खटाना जी हमने उन्हीं चीजों को लेकर बात की है कि उन 10 सालों के अंदर जो किया इसीलिए जनता ने आईना दिखाया और इसीलिए आपको सत्ता से बाहर किया, कहीं ना कहीं कमी जरूर रह गई होगी, मैं उन्हीं कमियों की हम बात कर रहे हैं बहुत जल्दी से। लेकिन हरियाणा में अगर शिक्षा का हब बनाने का काम करा तो हुड्डा साहब ने करा, मेडिकल हब बनाने का काम करा तो हुड्डा साहब ने करा, अगर बिजली पावर प्लांट का काम करा, सड़कों के जाल बिछाने का काम करा, हिंदुस्तान में अगर कहीं रैपिड मेट्रो कहीं चलाने का काम करा, मेट्रो को 4 शहरों से जोड़ने का काम करा, तो वो हुड्डा साहब ने काम। अब हड़ताल की भी बात करेंगे, क्योंकि हड़ताल जो लगातार चल रही है उसको आवाज उठाने के लिए भी जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। बिल्कुल समेंदु जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं,
हम तो भारतीय जनता पार्टी को उनके वायदे याद दिला रहे हैं, एक समान काम एक समान वेतन, कोई बुराई नहीं, कोई कर्मचारी कुछ नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे और हक भी वो मांग रहे जो आपने वायदा किया, तो आप करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। परंतु मैं आप वायदा इस बात का कर रहे हैं, अगर हमारी पार्टी इसे में जनता ने मौका दिया तो हमने वायदा किया है पंजाब के समान वेतन और बैकलॉग, जितनी नौकरियां खाली हैं और गैस टीचर जो ठेके प्रथा में जो इन्होंने भर्ती कर रखे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस ने, सबको पक्का किया जाएगा। और पूरी नौकरियां, जिसे परिवहन विभाग में 15,000 बसों की जरूरत है, बस 3,500 हैं, तो लोगों को क्यों दुखी किया जा रहा है? दुखी इसलिए किया जा रहा है, ये हर चीज को ठेके पर देना चाहते हैं, बाकी हमारी सरकार जब आएगी ठेकेदारी। ठीक है, मैं जरा जल्दी से रिएक्शन लेता हूँ। हाँ जी, हमारी बेस्ट लास्ट मांग सरकार से यही है कि 3216 पोस्ट जो कि कॉन्ट्रैक्ट की पोस्ट है और हम भी कॉन्ट्रैक्ट पर ही है, बस हमें उसमें मर्ज कर दिया जाए, हमारा धरना हम अपने आप ही उठा लेंगे और गवर्नमेंट को हम आगे से मतलब कोई वो परेशानी का वो मौका ही नहीं देंगे, बस उनसे हमारी एक ही मांग है, हमें 3216 पोस्ट पे मर्ज कर दे, ये हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से आपके थ्रू। ठीक है, ये कोशिश है और ये मांग भी है और इसीलिए धरना स्थल तक पहुंचते हैं, बड़ी मजबूरी होती है और बड़ा दिल को भी टीस होती है कि कोई अपने काम को छोड़ करके विरोध करे, प्रदर्शन करे या हड़ताल करे, लेकिन जिस तरीके से और जिस तेजी के साथ समय बीत रहा है, 40-40, 20-20 दिन ऐसे बीत जाते हैं कर्मचारियों को हड़ताल करते हुए, लेकिन सरकार फिर भी नहीं सुनती है, तो अब जाएं तो जाएं कहां कर्मचारी? शुभेंदु जी, बहुत बड़ा सवाल है, जाएं तो जाएं कहां? सरकार के अलावा कोई जगह नहीं है उनके पास जाने के लिए, ये सत्य है। और जो बात आप कह रहे हैं कि बहुत मजबूरी से ही कोई सड़क पे उतर के आता है अपनी मांगे आगे रखने के लिए, क्योंकि अपना काम काज, अपना परिवार, हर चीज़ दांव पे लगा के आता है, तो सिचुएशन गंभीर है और सरकार को इन चीज़ों को लेके एक डायलॉग और एक डिस्कशन और एक कंपैशनेट व्यू रखना चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें मैं कहूँगी जो ऑब्जर्व करने वाली, वो ये है कि ऐसा नहीं है कि सरकार ने मांगे नहीं मांगी हो, मानी हो। अगर आपको याद हो कि लोकसभा इलेक्शन से बिल्कुल जरा सा पहले एक रोडवेज कर्मचारी की हड़ताल, कर्मचारियों की हड़ताल हुई थी और उसको लेके इमीडिएटली उन्होंने अपना डिसीजन रिवोक कर लिया था गवर्नमेंट ने, तो जब इलेक्शन का टाइम है तो बहुत अच्छा वक्त है हड़ताल करने का सबके मानने के लिए। लेकिन अभी एक और इशू उठा है, अगर आपको पता हो कि जींद में अभी कुछ लोगों को नौकरियां दी गई थी खेल कोटे के अंदर और अब उसको रिवोक कर दिया गया है, तो हर बार सरकार कुछ ऐसा करती है और उसके बाद उसको रिवोक कर लेती है अपनी मनमानी के तरीके से। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर हम देखें तो भाजपा गवर्नमेंट का जो पैटर्न है वो ये है कि जो पहले वायदे करते हैं उनके बेसिस पे ये लोग आते हैं और उसके बाद वो वायदे ना पूरे करके अगले इलेक्शन के लिए नए वायदे कर देती है, पुराने वायदे भूल जाती है। और तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण चीज जो कि हर विपक्षी पार्टी से मेरा सवाल है कि हरियाणा का जो बजट है 2019-20 में, उसमें किसान के लिए यानी खेती का बजट, ग्रामीण विकास कार्यों का बजट, एजुकेशन का बजट, रोड्स का बजट, हर चीज स्टेट दूसरी स्टेट्स की एवरेज में कम किया गया है और कम है। उस वक्त क्या विपक्षी पार्टियां सो रही थी? क्या उस वक्त उनको प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए था? ये मुद्दा तो बहुत बड़ा था कि हम कम करने वाले हैं। बहुत सारे विषय हैं, बिल्कुल बहुत सारे विषय हैं, खैर बहुत कम समय है। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। लेकिन यहाँ हड़ताल जिस तरीके से की जा रही है और हड़ताल की जो गूंज है वो हम कोशिश भी कर रहे हैं कि सरकार के कानों तक पहुंचे और कम से कम कर्मचारी जो लगातार कई कई दिनों तक अपनी हड़ताल और अपनी मांगों को रख रहे हैं इस हड़ताल के जरिए, वो कम से कम सरकार समझे भी। लेकिन यहां पर कर्मचारियों की तरफ से ज्यादा कुछ नहीं मांगा जा रहा है, मांग सिर्फ उतनी है जो पिछले चुनावों के समय में जनता से और कर्मचारियों से जो वादे किए गए थे, सिर्फ उन्हीं वादों को वो मांग रहे हैं। लेकिन देखना यही है कि सरकार आखिर कब तक उनकी मांगों को मानती है। फिलहाल के लिए बस उतना ही, नमस्कार।